नमस्कार दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि 4 अगस्त को लेबनान की राजधानी बेरत में हुए ब्लास्ट में 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 6000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और ब्लास्ट के विद इन अ वीक ही लेबनन की सरकार ने रिजाइन कर दिया है। हम इंडियंस को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना कि कैसे एक ब्लास्ट होने पर पूरी सरकार रिजाइन कर सकती है, और वो ऐसी सरकार जो इसी साल जनवरी में बनी थी। दरअसल लेबनन में कई सालों से करप्शन और इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से लोगों में असंतोष फैल रहा था। लेबनन की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वहाँ के लोग गरीबी और भुखमरी से परेशान हैं। अक्टूबर 2019 में जब सरकार ने व्हाट्सएप कॉलिंग पर टैक्स लगाने का प्लान किया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और प्रोटेस्ट चालू हो गया। लोग अनस्टेबल इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और सांप्रदायिक शासन के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट की वजह से साद हरीरी की सरकार को रिजाइन करना पड़ा था और जनवरी में हसन दियाब की नई सरकार बनी। लोग खुश तो इस नई सरकार से भी नहीं थे, इसलिए उनका प्रोटेस्ट जारी था। पर कोरोना की वजह से मार्च में लोगों को अपना प्रोटेस्ट बंद करना पड़ा। पर 4 अगस्त के ब्लास्ट के बाद लोगों में इस सरकार में भी करप्शन को लेकर गुस्सा फिर फूट पड़ा है और एक बार फिर से प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं, जिसके चलते हसन दियाब की सरकार ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इंडियंस को थोड़ा अजीब सा लगता है अगर कोई सरकार अपनी जिम्मेदारी मानकर रिजाइन कर दे। इंडिया में करप्शन के एक से एक बड़े मामले हुए हैं, जैसे कि कोलगेट स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता, रिजाइन की बात तो दूर। करंट सिचुएशन की बात करें तो फ्लड प्रिवेंशन के नाम पर अब तक लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, पर आपको तो पता ही है कैसे बिहार और आसाम फ्लड से हर साल कितने ही लोग और जानवर मर जाते हैं और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। इनमें से कई फ्लड्स तो खराब क्वालिटी के एम्बैंकमेंट्स टूटने की वजह से आते हैं। हम अपने अपने शहरों की ही बात करें तो थोड़ी बारिश होने पर ही सड़कों और गलियों में पानी भर जाता है। इसका रीज़न तो आपको पता ही है, ड्रेनेज सिस्टम को टाइम पर साफ ना करना। पर इसकी जिम्मेदारी ली है किसी ने? दोस्तों, अगर हमें इंडिया को डेवलप करना है तो गलतियों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना होगा। जब भी कोई नेता आपसे वोट मांगने आए तो उससे पूछना होगा कि पिछले चुनाव में किए वादे कितने पूरे किए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।